मॉर्निंग आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है चेंज प्रॉफिट एंड लॉस का चल रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का, तो थर्ड चैप्टर है हमारा ये। तो इसका जो क्वेश्चन थे हमने शुरू प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट के करीब रहे थे प्रेजेंटली, और मैंने 17 तक क्वेश्चन करने के लिए आपको कहा भी था। तो इसमें जो 17 क्वेश्चन है वो मैं अपने आप ही आपको इधर समझा देता हूँ अंडरस्टैंड करना है। तो कैसे क्या इसके थ्रू हमने फाइंड आउट करना है, इसमें यही कह रहा है कि आपने एवरेज प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना है, सुपर प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना है और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट भी फाइंड करना है। मतलब कि आपने इसे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं उसी से फाइंड आउट करना है कि कैपिटलाइजेशन से सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होगा और सुपर प्रॉफिट से और एवरेज प्रॉफिट से प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होगी। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखो आप कैसे क्या करना है। तो हमारा टोटल प्रॉफिट आ रहा है कैसे क्या फाइंड आउट होगा, तो लास्ट 6 ईयर का इसमें प्रॉफिट दे रखा है। तो लास्ट 6 ईयर में 20,000 का प्रॉफिट, 60,000 का प्रॉफिट सेकंड ईयर है, फर्स्ट ईयर में 20,000 का है और थर्ड ईयर में 10,000 का लॉस है, फोर्थ ईयर में 60,000 का प्रॉफिट है, फिफ्थ ईयर में 50,000 का प्रॉफिट है एंड सिक्स ईयर में 72,000 का प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट को हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट से गुडविल फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो टोटल प्रॉफिट हमें ऐड कर लेते हैं, तो पहले हम प्रॉफिट प्रॉफिट ऐड करते हैं, 20,000 60,000 80,000 80 प्रॉफिट प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं तो 80,000 और ये भी प्रॉफिट है ये भी प्रॉफिट है 80 और 60 140 एंड 15 190 और 72 262 में से 10,000 का कितना हो गया हमारा 252। तो ये हमारा क्या आ गया, टोटल प्रॉफिट आ गया। हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं इसको, टोटल प्रॉफिट अकाउंट में नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है 250 है, नंबर ऑफ ईयर हमारा कितना है लास्ट 6 ईयर का रेट का है 6 + 6 = 6 + 6 = 12। तो जो एवरेज प्रॉफिट हमारा फाइंड हुआ है वो कितना हो रहा है 52,000 हो रहा है, क्या है 52,000। हमें क्या फाइंड करनी है, गुडविल फाइंड करनी है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट से हमें गुडविल फाइंड करनी है और नंबर ऑफ ईयर 4 ईयर दे रखा है। फर्स्ट पॉइंट का देखते हैं 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट निकालना है, क्या निकाला 4 ईयर से जो एवरेज प्रॉफिट का 4 ईयर क्या फाइंड आउट करेगा, गुडविल फाइंड आउट करेगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ ईयर जो परचेजिंग दे रखा है नंबर ऑफ ईयर परचेज वो हम क्या कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लीकेशन करना है, क्या फाइंड आउट होता है, गुडविल फाइंड आउट। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है 4 ईयर दे रखा है और ये हमारा कितना है एवरेज प्रॉफिट 42,000 है। हमारा कितना आ जाएगा भाई 00880860, तो 168,000 का इसका आंसर आ रहा है, इसका एवरेज प्रॉफिट से गुडविल फाइंड आउट करने का। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा हो रहा है कि हमें एवरेज प्रॉफिट से गुडविल फाइंड आउट कैसे करना है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। हमें सेकंड पॉइंट फाइंड करना है और वो कह रहा है कि सुपर प्रॉफिट से गुडविल फाइंड आउट करो और इसका भी नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है 4 ईयर दे रखा है। तो सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है, नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि अगर एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस करूंगा तो मेरा क्या फाइंड आउट हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो है ही मेरे पास 42,000, मैंने क्या फाइंड करना है नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रेट ऑफ नॉर्मल अपॉन में 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है इसमें देखो आप, तो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 2 लाख, कितना दे रखा है 2 लाख दे रखा है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने दे रखे हैं हमारे 15% दे रखी है। तो फोन कर दो 2010 से 2015 30,000 डॉलर। तो हमारी क्या गेन नॉर्मल प्रॉफिट, हमें क्या चाहिए सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पे एवरेज कर दिया मैंने थोड़ा एवरेज प्रॉफिट है एपी, तो एवरेज प्रॉफिट में माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है 42,000, सुपर प्रॉफिट हमारा कितना है 30,000। तो हमारा जो एस पी आधा आएगा हमारा कितना आएगा 12,000 आएगा, क्या आएगा सुपर प्रॉफिट मार्क का हजार डाल है। अब इसने कहा है कि आपने सुपर प्रॉफिट से गुडविल फाइंड आउट करनी है और जो सुपर प्रॉफिट का नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है कितना दे रखा है सेकंड पॉइंट में फोर्थ ईयर,
हमने क्या पॉइंट करना है, सेकंड पॉइंट गुडविल के से सुपर प्रॉफिट से। तो सुपर प्रॉफिट का जो नंबर ऑफ एपर्स कितना गया है 4, और सुपर प्रॉफिट कितना है 12,000, तो कितना आ जाएगा 48,000। ये हमारा किसका आ रहा है, सेकंड पॉइंट का आंसर आ रहा है, आप देख भी सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमने कैपिटलाइजेशन निकालना है। ये हमारा जो थर्ड पॉइंट था ये वो नोट कर लेना, ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट था जो हमें कैपिटलाइजेशन निकालना है, गुडविल के थ्रू फाइंड आउट कर रहा है। अब कैपिटलाइजेशन कैसे निकालोगे, तो अगर हमें कैपिटलाइजेशन निकालना है मतलब कितने हैं सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक बार तो गुडविल फाइंड शुरू करना होता है, इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल प्रॉफिट रेट, नॉर्मल प्रॉफिट रेट, तो रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट कितना है हमारा 12,000 आया जब हमने फाइंड करा था, इनटू में 100 अपॉन में 15% नॉर्मल के रेट दे रखे 15 जब 120 तो 80,000 तो ये हमारा आया गुडविल किससे, कैपिटलाइजेशन से आया। आप देख सकते हैं ये आंसर आ रहा है, तो कैपिटलाइजेशन से हमने सुपर प्रॉफिट का जो कैपिटलाइजेशन निकाला है वो ऐसे निकलेगा, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट, रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो आप इसको देख भी लेना, अगर फिर कोई प्रॉब्लम आ तो भाई मैसेज में से पूछ लेना। ओके, अब आगे जो पॉइंट हमारा डेट का है वो उसमें ये कह रहा है कि अभी तक हमें गुडविल फाइंड आउट की थी, गुडविल निकालने हमें आगे कैसे क्या निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट से निकालने आगे और एवरेज प्रॉफिट से गुडविल फाइंड आउट करने आगे। इसके अलावा हमें सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करने आ गया कि कैसे क्या निकालते हैं। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारी गुडविल फाइंड आउट होगी उसको हमने बाई जनरल एंट्री राइट करना है, मतलब जो भी जनरल एंट्री बनानी है वो जनरल एंट्री किससे बनेगी, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो से। तो क्वेश्चन में जो जनरल एंट्री बनेगी तो उसमें अगर गेनिंग रेशियो होगा तो ऑटोमेटिकली लोग क्या कहलाएगा, डेबिट कहलाएगा, और जो सैक्रिफाइस रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, क्रेडिट कहलाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, भाई शॉर्ट में आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका ए बी पार्टनर में से कोई भी गेनिंग रेशियो होगा तो डेबिट होगा और जो भी सैक्रिफाइस रेशियो होगा वो क्रेडिट होगा। ठीक है, क्योंकि इसका रूल जो आपको पता है पर्सनली क्या होता है, तो डेबिट रिसीव क्रेडिट यूज, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें क्या कहना चाह रहा है, x and y two partners, 18 question है, x and y two partners 2:1, तो x y का दो partner है, तो old ratio दे रखा है, तो 2:1 दे रखा है, तो बेटा 2:1 दे रखा है। इसके बाद with the effect from 1st April 2016 और 1 अप्रैल 2016 को उन्होंने क्या किया, decide कर लिया and to share profit in ratio 3:1, तो 1 अप्रैल 2016 को डिसाइड किया कि हम जो अपने न्यू रेशियो रखेंगे वो 3:1 रखेंगे, तो जो न्यू रेशियो आएगी वो क्या आएगी, 3:1 आएगी। एंड पर्पस द गुडविल ऑफ द फ्रंट वैल्यू 180,000, और जो गुडविल की देर की है फ्रंट गुडविल देर की वो कितनी देर की, 180,000 देर की, देखो देर की 180,000। हमने आगे क्या कहना चाह रहे हैं कि गिव नेसेसरी जनरल एंट्री, आपने क्या फाइंड आउट करना है, जनरल एंट्री फाउंड आउट करनी है। तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें जो गेनिंग रेशियो जो हमारी डेबिट होगी, जो सैक्रिफाइस रेशियो जो हमारी क्या होगी, क्रेडिट होगी। कॉमन सी बात है, प्रॉफिट होगा तो आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा, और क्रेडिट कब होगा, जब आपको डेबिट मतलब अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप किस साइड लिखते हो, उसको क्रेडिट साइड लिखते हो बैलेंस शीट में। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है कि क्रेडिट साइड तभी लिखी जाएगी जब वो गेनिंग हमारे डेबिट होगा। कॉमन सी बात है, हम एंट्री जो करते हैं
अगर किसी भी बैलेंस शीट पर आपकी जो डेबिट होगा एंट्री में वो हमारा क्रेडिट में जाएगा, जो क्रेडिट होगा एंट्री में वो हमारा कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। इस बात का आपको पता है तो चीज का ध्यान रखना, अगर जो भी प्रॉफिट होगा हमारा क्रेडिट में जाएगा तो हमारा जगह एंट्री में क्या कहलाएगा, डेबिट कहलाएगा। ये तो आपको पता ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि ये गेन है और ये गेन और ये क्या है लॉस है, या फिर वाई लगा लो, एक्स का गेन और वाई की गेन। अभी जो डेबिट है डेबिट और ये कैश टू वाई लॉस या फिर लॉस, तो ध्यान रखना जो हमारा गुडविल होगा गेनिंग वो हमारे किस तरह जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, और जो लॉस होगा वो हमारे किस तरह जाएगा, किसी भी बैलेंस शीट का लॉस जो होगा वो डेबिट में जाता है, और जो गेनिंग होगा कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। इसी पर ध्यान रखना, तो क्रेडिट तभी आएगा जो डेबिट में हमारा गेन हो, और डेबिट लॉस तभी आएगा जो क्रेडिट में हमारा लॉस हो। इसी का ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम, इसके जो भी क्वेश्चन देखते हैं तो इसके लिए हमें पहले तो जनरल एंट्री बनानी है, और जनरल एंट्री के लिए हमारे पास सेकंड का जो जनरेशन होना जरूरी है। ये टू पार्टनर्स है, कौन कौन है, एक्स एंड वाई, कौन कौन है, एक्स एंड वाई। तो एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं, जैसे मैं बता चुका हूँ कि आपने एक ही फॉर्मूला पुट करना है, टोटल रेशियो माइनस में तो एक्सीलरेशन निकालते हैं। अगर हमें ये नहीं पता क्या है तो यहाँ एक्स रेशियो कर लो, ठीक है, कि हमने ओल्ड में से न्यू लेस किया और हमारी नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ओल्ड में से न्यू लेस करें और नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो हमारा क्या कहलाएगा, गेनिंग रेशियो कहलाएगा। अगर ओल्ड में से न्यू लेस करें और पॉजिटिव वैल्यू आए तो हमारा क्या कहलाएगा, सेकंड फाइनेंस। बट ये नेगेटिव आ रहा है तो हमारा क्या कहलाएगा, गेनिंग रेशियो। तो एक्स इज गेनिंग रेशियो कहलाएगा, एक्स इज गेनिंग। अगर मैंने आपको बता भी रखा है गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है गेनिंग का, बट हम एक ही फॉर्मूला पुट करेंगे उससे सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बाद में हम गेनिंग साइड प्राइस निकाल लेंगे, पहले हम ओल्ड रेशियो न्यू निकालने के बाद अगर नेगेटिव आ रहा है तो गेनिंग करते हैं, पॉजिटिव आ रहा है तो कवर जो सेक्रीफाइस है। तो हमने गेनिंग कर दिया तो इस नेगेटिव को यहाँ से हम हटाते हैं, कि नेगेटिव इसलिए लगाया गया था ताकि हमें ये पता लगे गेनिंग है सेक्रीफाइस, अगर नेगेटिव तो क्या कहलाएगा, गेनिंग। तो इसलिए हमने इसको हटाया था, क्या कहलाएगा, गेनिंग। अगर ये पॉजिटिव होता तो ऑटोमेटिकली क्या कहता, सेकंड वाई। अब वाइज रेशियो निकाल लेते हैं, वाइज रेशियो तो ओल्ड माइनस न्यू वाई का क्या, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो वाई का क्या, ओल्ड रेशियो 1 अपॉन 3 और बी क्या है 1 अपॉन 4 न्यू रेशियो। एलसीएम वही तो है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 माइनस 3 अपॉन 12 क्या आ गया, यहां पे 1 अपॉन तो इस प्रकार हमने सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो फाइंड आउट सॉरी कर दिए। इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसके बाद हमें निकालना है इसका जो हमने फाइंड किया है इसी से हमने जनरल एंट्री करनी है। तो जो गुडविल हमारे पास कितने हैं, 180 आए हैं। इस गुडविल में 180 में गेनिंग का कितना, मतलब एक्स का कितना स्टील है, एक्स हमारा गेनिंग कितना आया, 190 आया है, 9 अपॉन 12 आया है। तो अगर x का गेनिंग निकालो, x का गेनिंग शेयर निकालो मैं, तो 180,000 इनटू 9 अपॉन 12 कैंसिल करो इसको, कितने आ रहा है, 3 टू 6 टू 12 6 टू 18 हमारा कितना आ रहा है, 15
हमने कैंसिल किया तो हमारा कितना है 15,000 का है, यही तो ये हमारा जनरल एंट्री हो गई है, तो इस प्रकार हमारी जनरल एंट्री हो गई। तो एक्स इज कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, 15,000 15,000। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे होंगे, सारे सारे क्वेश्चन ही हमारे ऐसे ही होंगे। आप इसको नोट कर दीजिएगा, देखना जो सैक्रिफाइस रेशियो क्रेडिट होगा, जो गेनिंग रेशियो जनरल एंट्री होगा डेबिट होगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है वो हमारा आ रहा है, इसमें क्या है कि मार्केटिंग क्वेश्चन है, ए बी पार्टनर दे रखे हैं, इनके जो न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो दे रखे हैं, पी रेशियो वन दे रखी है, एंड डिसाइडेड टू 1 अप्रैल 2010 को डिसाइड करते हैं कि जो इनके न्यू रेशियो 5:3 है एंड गुडविल ऑफ इज टू बी द वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट 3 ईयर्स। ये कहते हैं गुडविल निकाल लिया आपने और 2 नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर्स दे रखे हैं और 3 ईयर की आपने प्रॉफिट दे रखी है, प्रॉफिट फॉर द ईयर्स 13, 14, 15 तीन साल की प्रॉफिट दे रखे हैं। अब इसका आपने जनरल एंट्री भी फाइंड आउट करनी है, गुडविल भी फाइंड आउट करनी है, तो आप इसको करिए होगी क्योंकि हमने एवरेज प्रॉफिट से गुडविल फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए एवरेज प्रॉफिट के लिए हमारे पास टोटल प्रॉफिट का होना जरूरी है कि 1 अप्रैल 2015 को स्टार्ट कर रहा बिजनेस न्यू कर रहा है, तो 13, 14, 15 का जो प्रॉफिट है वो हमें दिखाना है। तो इसमें 13, 14, 15 का जो प्रॉफिट दे रखा है वो हमारा 36,000, 32,000 और 40,000 दे रखा है। 1,36,000, 14,000 का 32,000 and 15,000 का 40,000 नंबर ऑफ ईयर कितना है 1, 2, 3, 3 ईयर
T on the 5th is the 9 और T is the 18. 36 का लेता है क्या आया हमारा नहीं? L को फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है? गुडविल फाइंड आउट करना है। तो गुडविल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपको पता ही है। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है? 2 इयर्स है इनको L को फिर क्या जाएगा सेवेंटी टू थाउजेंड आ रहा है। तो इसके बाद आप जो आगे क्वेश्चन है वो अपने आप करना। इसमें आपकी न्यू रिशिप दे रखे ओल्ड रिशिप दे रखे मैं पहले देखा कौन कौन दे रखे हैं ए और बी पार्टनर दे रखे हैं। इनका जो ओल्ड रिशिप दे रखी है वो क्या दे रखे हैं ए एंड बी है 3:1 एंड जो न्यू रिशिप दे रखी है वो हमारे क्या दे रखी है 5:1 ठीक है 5:3 है आपने चेक क्या फाइंड आउट करना है आपने फाइंड करना है ए की और बी का सैक्रिफाइस ऑफ गेनिंग रेशियो यहां पे आपने कुछ नहीं करना ए की रेशियो करना है बाद में हमें गेनिंग मोड को निकालना है तो फार्मूला वही ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो क्या है ए का फाइंड करना है ना 50/4 5/8 एलसीएम क्या आ गया 8 4 2 8 2 एंड 8 1 8 6 - 5/8 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है भाई 8 एलसीएम आ रहा है ना छोटे टेबल में 2 क्या आता है एंड 8 बन जाए 8 आप सुन रहे हो आगे साथ पता ही आपको तो हमारा पॉजिटिव वैल्यू ओल्ड प्लस न्यू प्लस क्या हमारी पॉजिटिव वैल्यू क्या कहलाएगा हमारा सैक्रिफाइस क्या कहलाएगा सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस ऐसे ही हमें किसका फाइंड आउट करना है बी का फाइंड आउट करना है जी जी वो ये जो फॉर्मूला आपको बताता है ओल्ड माइनस न्यू बी का क्या है पी अपॉन 4 एंड न्यू क्या है पी अपॉन 8 तो आप देख सकते हो एलसीएम क्या है 8 4 टू द 8 एंड 8 वन द 2 माइनस 3 अपॉन 8 माइनस 8 तो कॉमन से मतलब ओल्ड में से न्यू लेस के कॉमन नेगेटिव वैल्यू है क्या कहलाएगा हमारा गेनिंग करना है क्या कहलाएगा गेनिंग करना है तो अब यहां पे क्या लग गया है गेनिंग रेशियो का डेनस माइनस को हटा देगा तो बी का जो गेनिंग रेशियो आया है वो कितना है अपन को देखा है सेम आ रहा है हमारा कितना है गुडविल हमारा कितना है 72 का बता रही और दोनों क्या बना अपन के लिए आ रहा है मतलब बने ये आ रहा है तो आप यहां तक नोट करो उसके बाद आपने जो करना है वो आपने शेयर निकालना है तो ए और बी का तो ए का जो शेयर है ए शेयर का लेते हैं आप ए जो शेयर आ रहा है क्योंकि ए के साथ वाला पार्ट एट है टोटल बोले में सर्वे को उठा देता है नाइन चल गया बी का शेयर कितना है पूरी वाला पर एट है तो सर्वे को उठा इनको कर दिया कितना आया लाइन अब आपको पता चल चुका है कि जो ए आ रहा है हमारा वो हमारा क्या आ रहा है सॉरी ए जो हमारा आ रहा है क्या आपका सैक्रिफाइस है सो जो बी आया हमारा नेगेटिव बी बी हमारे क्या है गेनिंग है तो कितना हमारा फोन ए तो हमने यहां पे कहा है एंटी आपको पता है क्या करना है बी इज का एक्सेल का जो गेनिंग रेशियो है वो डाइवर्ट होगा एंड जो सैक्रिफाइस रेशियो है क्रिएट होगा मैं बता दूंगा ठीक है तो कितना है 9000 x 9000 इस प्रकार एक क्वेश्चन हमारा हो जाता है नरेशन अपना आप ये कर सकते हो ठीक है कि जरा एंटी एल्गोरिथम करते आए तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है ठीक है आगे एक और क्वेश्चन देखो आगे अच्छा क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है पी क्या हुआ 3 पार्टनर दे रखे हैं 20 क्वेश्चन ध्यान दे रहे अच्छा क्वेश्चन है बड़ा पी क्या हुआ 3 पार्टनर दे रखे हैं एंड शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली तो इनका जो ओल्ड रेशियो है ओल्ड रेशियो कॉर्पोरेट पी है अच्छा क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है पी क्या हुआ आर
इनका जो ओवर रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 1 इक्वल दे रखा है, इस पे इक्वल तो क्या ले रहे हैं वो 1:1। ठीक है, ध्यान देना, अगर इक्वल की बात कर रहे हैं जितने पार्टनर हो 1:1 लेंगे, अपना अपना हिस्सा ले लेंगे 1:1। अगर कुछ भी रेशियो नहीं दे रखा इक्वल का है तो 1:1 मिलेगा उनको। 3 है, 3 पार्ट में तो 1:1, 2 है तो 1:1, तो दोनों को इक्वल मिल जाएगा। उसके बाद they decided that in the futures R will get 1/7 share in the profit. ये कह रहा है कि वो डिसाइड करते हैं कि आर को जो फ्यूचर रेशियो मिलेगा वो 1/7 मिलेगा। अब ये कह सकते हैं आर की फ्यूचर रेशियो का मतलब क्या होगा, न्यू रेशियो जो भविष्य में आएगी, तो आर की जो न्यू रेशियो होगी तो आर इज न्यू रेशियो कितनी है 1/7। ठीक है, हमें आर का तो पता चल रहा है पर पी और क्या होगा नहीं पता, पी और क्या होगा जो न्यू रेशियो होगा क्या होगा, बस ये कहना चाह रहा है। और उसके बाद गुडविल देयर के 42,000 और आपने क्या लिखा हमने वही है जिन चेंज प्रॉफिट जो भी आपके होगी प्रॉफिट वो जनरल एंट्री में करना है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अब मेरे से एक बात बताओ, न्यू रेशियो तो ओल्ड रेशियो हमें पता है, ओल्ड रेशियो जिसने इक्वल दे रखी है, पर जो न्यू रेशियो दे रखी है आर आर की दे रखी है 1:7 और पी क्या होती नहीं ले रखी। एक पॉइंट जो है वो यहाँ से क्या है जी 7 क्या है 7 है। इसका मतलब अगर न्यू रेशियो, अगर जो न्यू रेशियो आएगी पी के और आर पार्टनर की, तो उसमें से आर को कितना मिल रहा है 1/7, आर को कितना मिल रहा है 1/7। इसका मतलब पी क्या हो आर जो पी क्या हो आर का जो टोटल हो कितना है 7 है। अब तक हम क्वेश्चन करते थे अगर रेशियो माइनस करना था और विदाउट रेशियो दिखाते थे तो हम क्या करते थे, किसी पार्टनर का जो शेयर आ रहा है आप उनमें टोटल करते थे। तो यहाँ पे समझ आर का जो शेयर हो कितना 1 है और जो टोटल बन रहा है कितना 7 आ रहा है, पर पी क्या हुआ हमें नहीं पता कितना है, पर जो टोटल आ रहा है कितना आ रहा है पी क्या हुआ था 7 न्यू रेशियो आ रहा है, इसमें पी और क्या हुआ हमें नहीं पता। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें पी और क्या हुआ फाइंड आउट करना है, क्योंकि आर हमारे पास कितना है 1 है, जिसमें से हमें आपका तो बल पता चल गया और बचे हुए पार्टनर हमें निकालना है, तो टोटल 7 है, इस 7 में से आर का तो हमें बल पता चल गया, तो बल लेस करते हैं कितना हो गया 6। इसका मतलब जो दो पार्ट में बचे हैं उनका कितना शेयर है 6 है, तो वो शेयर जो 6 है उनको क्या मिलेगा इक्वल मिलेगा, क्या मिलेगा इक्वल। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो और कुछ भी नहीं करेगा तो इक्वल मिलेगा, कौन पर बचा पी और क्या हो, तो दो ही पार्ट में 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 2 × 2 = 6। इसका मतलब पी को भी 3 मिलेगा क्या को भी 3 मिलेगा। तो यहाँ आप न्यू रेशियो का देखते हैं, न्यू रेशियो P क्या हो आप देख सकते हो ये आर 6 आया था तो P और क्या हो 6 मिला है, तो 6 मिला है तो पार्ट है उसे डिवाइड कर दिया तो 3 किसको मिल रहा है P को और क्या को भी कितना मिल रहा है P मिल रहा है। तो यहाँ पे हम कर दें P को 3 मिला, क्या को 3 मिला और R को आप देख भी सकते हो, अगर R का भी रेशियो निकालो तो 1/4 टोटल आया टोटल डिवाइड उसके बाद किसका क्या है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन देखो, 21 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसी जो 20 क्वेश्चन में रेशियो मैंने फाइंड आउट कर दिया जनरल एंट्री अप्लाई करना, इसकी गेनिंग और सैक्रिफाइस निकाल लेना पी और क्या होगी और आर की, अगर इनमें से किसी का जीरो आर आ रहा है पी क्या हो आर में से किसी का भी जीरो आ रहा है तो वो हमने लगाना ही नहीं, जो सैक्रिफाइस और गेनिंग और आ रही है विदाउट जीरो वैल्यू वो हमने पुट कर दी। ठीक है, आई थिंक अगला जो क्वेश्चन 21 है इसमें ए बी सी तीन पार्टनर दे रखे हैं और जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है और जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है ए बी सी पार्टनर का 21 क्वेश्चन है
जो इनको प्रॉफिट से इंग्रेस हो जाएगा 7:2:3 ले लेता है। प्लस ए 21 क्वेश्चन है, ए बी और सी पार्टनर है, जिनका रेशियो आ रहा है वो हमारा आ रहा है 7:3:2 या क्या है ओल्ड रेशियो बुद्धि बन गए। उसके बाद ये कह रहा है कि फर्स्ट अप्रैल 2016 को डिसाइड करते हैं कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो हमारा 8:4:3 होगा। तो इसमें फर्स्ट अप्रैल 2015 को स्टार्ट किया है तो न्यू प्रॉफिट रेशियो जो आएगा हमारा न्यू रेशियो आएगा उन्होंने 1 अप्रैल 2015 को डिसाइड किया कि हमारा जो न्यू रेशियो बनेगा वो हमारा 8:4:3 बनेगा। क्या बनेगा 8:4:3 बनेगा, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है कि गुडविल इज द वैल्यू एंड द एवरेज ऑफ 3 ईयर प्रॉफिट। ये कह रहे हैं गुडविल जो वैल्यू दे रखी है 3 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है उसी से एवरेज फाइंड आउट करनी है। प्रीसीडिंग द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब जिस डेट को ये बंद हो रहा है उसी डेट से लगाना है आपने, ठीक है। और द प्रॉफिट ऑफ द फॉर द ईयर 12, 13, 14, 15 मतलब 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है हमने 3 ईयर का निकालना है। तो हमने क्या करना है कि लास्ट 3 ईयर जो आ रहा है ना वो लेना है। मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है 12 का प्रॉफिट दे रखा है, 13 का प्रॉफिट दे रखा है, 14 का एंड 15 का। और जो हमारा बिजनेस स्टार्टिंग हो रहा है आज वाला 15 हो रहा है, फर्स्ट अप्रैल 15 हो रहा है। और जो एवरेज प्रॉफिट निकाल रहा है कितने का निकाल रहा है 3 ईयर का निकाल रहा है। हमने जो स्टार्टिंग के 3 ईयर्स है मतलब लास्ट के जो 3 ईयर्स है सॉरी लास्ट के जो 3 ईयर्स है उसी से निकालना है। कभी भी याद रखना 4 साल का 5 साल का प्रॉफिट जो भी दे रखा हो जैसे इसको 4 ईयर का प्रॉफिट देखते हैं तो 3 ईयर का प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो हमें स्टार्टिंग का ईयर्स क्या करना है कैंसिल कर दे रहा है और जो लास्ट के 3 ईयर्स है उसी से हमें फाइंड आउट करना है। अगर ये 5 साल होते और ये करके 4 ईयर का निकाल रहे हैं तो हम स्टार्टिंग का जो ईयर को कैंसिल करते तो लास्ट का 4 ईयर वो ले लेते, ध्यान रखना इसे। तो इसमें जो प्रॉफिट निकालेंगे हम 13, 14, 15 का निकालेंगे। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट निकालें क्योंकि एवरेज प्रॉफिट से हमें फाइंड आउट करना है। तो टोटल प्रॉफिट निकालेंगे तो किस किसका निकालेंगे 13, 14 एंड 15। 13 का कितना आ रहा है 48,000 और 14 का 60,000 एंड 15 का 90,000। 13 का 48,000 है, 14 का 60 एंड 15 का 90,000 है। तो टोटल प्रॉफिट देखो कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 198,000। क्या आ रहा है 198,000 करके देखेंगे इसको 48,000 और 60,000 198,000। हमने क्या निकाला था प्रॉफिट आ गया, हमने क्या निकाला एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है टोटल प्रॉफिट ओपन में नंबर ऑफ ईयर परचेज नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3 × 3। इसमें क्वेश्चन दे रखा है एवरेज प्रॉफिट 3 ईयर से निकालना है 3 × 3 = 18 तो हमारा जो भी आ रहा है इसी को हम क्या मान लेंगे हमारी गुडविल मान लेंगे, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा नहीं दे रखा, गुडविल इज टू बी दी वैल्यू एट एवरेज ईयर परसेंटिंग द चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द हाँ अगर किसी में कुछ भी नहीं दे रखा नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दे रखा जो अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दे रखा तो जो भी एवरेज प्रॉफिट आ रहा है हमारा ही गुडविल प्रॉफिट कहलाएगा। तो गुडविल आएगा हमारा गुडविल जो आएगा हमारा कितना आएगा 66,000। तो हमारे क्या आ गया है गुडविल आ गया। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दे रखा तो एवरेज प्रॉफिट ही हमारी क्या कहना है गुडविल कहना है। इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है गेन रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करना है। तो आप इसको देखो कैसे फाइंड करना है। तो पहले एका निकाल एक जो भी शेयर आएगा हमें बाद में लिखेंगे फॉर्मूला वही करना है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो जिसे मैं बता चुका हूँ तो ओल्ड रेशियो क्या आएगा 7:2 है और न्यू रेशियो क्या है 8:15
एलसीएम क्या है हमारा 60 आ जाएगा, 12 के टेबल में 60 है, 15 के टेबल में 60 है, 12 के टेबल में 60 कहां पे आता है 5 से, एंड 15 के कहां पे आता है 4, 35 32 अपॉन में 60 क्या आ गया हमारा 30 अपॉन 60 आ गया, आई थिंक सेल वैल्यू 35 8 4 32 भाई 12 के टेबल में 60 कहां पे आता है 5 पे आता है ना, तो 15 के टेबल में 60 कहां पे आता है 4 पे, एलसीएम हम वही तो लेंगे दो से, एलसीएम हम लोग वही लेंगे जो इन दोनों में आता है तो ले लेंगे हम, अदरवाइज इसको इससे मल्टीप्लिकेशन इसको इससे मल्टीप्लिकेशन आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करना, इसको इससे आपस में दोनों मल्टीप्लाई करना, उसे काफी लंबा पड़ेगा, तो हमने ऐसे ही करना है, तो हमने ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो लेस किया और पॉजिटिव वैल्यू आई कितना क्या लगा हमारा 23 सैक्रिफाइस रेशियो, तो ए कितना आया हमारा सैक्रिफाइस रेशियो आ गया, तो हम क्या निकालना है बी का निकालना है, वही ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड क्या है बीना 3 अपॉन 12 और बी का न्यू रेशियो क्या है 8 अपॉन 15, एलसीएम आपको पता चल गया 60 किस पे गया 5 पे, और ये हमारा किस पे गया भाई 4 पे गया, तो हमारा कितना आया बस सॉरी गलती करती हमने, ये हमारा 4 है ना, ठीक है ठीक है ठीक है तो हमारा 12 टेबल में 65 पार्ट है तो हमें 500 मीटर मिल गया, 15 टेबल में 64 पार्ट है 400 मीटर मिल गया, क्या आया हमारा 15 माइनस 16 अपॉन 60 माइनस का आ रहा है 1 माइनस 16 है प्लस का 15 माइनस का 1 आ गया अपॉन 60, इसका मतलब ओल्ड मशीन न्यू लेस के तो हमारा नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मैंने बता दिया ओल्ड मशीन न्यू लेस करती है और हमारी नेगेटिव वैल्यू आती है तो हमारा गेमिंग रेशियो बढ़ जाएगा, तो बी क्या कहलाया हमारा गेमिंग रेशियो, ये लिखने के बाद इस माइनस को बेसक से हटा दें, ये तो इसलिए माइनस तो इसलिए मिटाया या इसलिए लगा आया है, इससे हम ये फाइंड कर सकेंगे हमारा गेमिंग हो गया है या सैक्रिफाइस हुआ है, अगर माइनस आता है ओल्ड मशीन को लेस करने के बाद तो हमारा गेमिंग आएगा और उस माइनस को हम हटा देंगे, ये फाइंड आउट करने के तरीका था, और जो बी गेमिंग आ रहा है हमारा कितना है 1/60 आ रहा है, और सी और फाइंड करना है, मैं इसको एक बार मिटा दे रहा हूँ आप इसको नोट कर लिया और गुड इसके 66,000 आगे से क्या अब सी का और फाइंड करना है, सी का कितना है भाई सी का और देखो क्या आ रहा है C का आ गया हमारा गेमिंग रेशियो आ गया ठीक है, और माइनस वन हटा दिया, और हमने कुछ नहीं करना जर्नल एंट्री कर दी है जो हमारे गेनिंग आ रहा है, मैं बता देता हूँ इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, जो हमारा गेनिंग आ रहा है वो हमारा डेबिट होगा, जो सैक्रिफाइस जा रहा है हमारा क्रेडिट होगा सैक्रिफाइस, तो गेनिंग क्या क्या आ रहा है, तो बी आ रहा है गेनिंग में क्या आ रहा है हमारा सी आ रहा है गेनिंग, एक बी रेशियो आया गेम और एक सी आया रेशियो बी, तो जो गेम में आया डेबिट होगा तो यहाँ लिख दो बी कैपिटल आया
डेबिट सीबीडीएनए सेल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और ए सैक्रीफाइज आ रहा है कितना ए सैक्रीफाइज आ रहा है आ रहा है यहाँ पे आप ए सैक्रीफाइज आ रहा है ना कितना टेबल फिक्स आप लिख देंगे ए इज कैपिटल ए तो 66,000 जो हमारी गुडविल थी उसका हम शेयर निकालेंगे बी का जो शेयर आ रहा है बी का कितना हमारे पास 60 है तो बी का निकालें तो हमारे पास 60 कर देंगे बी का जो शेयर आ रहा है कितना हमारे पास 60 शेयर है 00 कैंसिल 600 1100 आ रहा है 1100 इसके अलावा जो सी गेमिंग सी का जो शेयर है वो हमारे कितना है 1/60 आ रहा है तो यहाँ पे सॉरी 2/60 आया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे हैं गुडविल से ही फाइंड आउट करेंगे तो 2/60 तो 2,100 आ गया इसके अलावा ए सैक्रीफाइज रेशियो तो ए क्या कर रहे तो ए सैक्रीफाइज रेशियो तो हमने तुमने कर दिया और ए का शेयर कितना 3/60 है तो यहाँ पे ए का शेयर होने का लेते हैं गुडविल से फाइंड आउट होगा 3/60 ए का 0 कैसे 600 ये हमारे जो बनाई थी हो चुकी है इस प्रकार ये हमारा सॉरी क्वेश्चन हो रहा है तो ये हमारा 21 था क्वेश्चन था वो इस प्रकार हुआ है अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो मेरे से पूछ लेगा ओके इसके अलावा जो आगे क्वेश्चन है वो खुद करके देखना काफी इजी क्वेश्चन है वो उसमें जो हमारा प्रॉफिट होगा मैं एक बार ओरली बता देता हूँ क्या क्या होगा अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है क्रेडिट आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट आ रहा है जनरल रिजर्व आ रहा है वर्क में कंपनसेशन रिजर्व आ रहा है एंड अदर रिजर्व आ रहे हैं आई जैसे कि हम कहेंगे गेम परचेजिंग आते हैं वर्क में कंपनसेशन रिजर्व हो गया जनरल रिजर्व हो गया आई थिंक फंड रिजर्व हो गया ये आ रहा है तो हमारा सारा का सारा कैसे क्या होगा वो हमने क्या करना है जो भी रिजर्व है तो ओल्ड पार्ट वर्क कर देंगे अगर आपको लॉस हो रहा है एंड इसके अलावा हमारा कुछ खर्चा आ रहा है तो वो हमारा ओल्ड पार्टनर को लॉस हो जाएगा वो आप बेसिकली थ्योरी में देख लेगा थ्योरी से हो जाएगा अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा या समझाऊंगा उसके थ्रू कर लेंगे ठीक है ओके थैंक यू।